भाभी और देवर का प्यार बना भाभी की मौत का कारण। देखें आखिर क्या है ये मामला। भीलवाड़ा जिले के बागोड़ थाना क्षेत्र में विवाहिता की खून से सनी लाश मिलने के मामले में जिले की बागोड़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी विवाहिता के देवर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि विवाहिता की हत्या उसी के रिश्ते में उसका देवर लगने वाले दीपक उर्फ दशरथ सिंह राजपूत ने 23 मई की रात को की थी। आरोपी युवक व मैना के बीच अवैध संबंध थे, जिसके चलते आरोपी ने मैना की हत्या कर दी थी। मंडल सीओ कन्हैयालाल ने बताया कि 24 मई को बागोर के मदनपुरा गांव के बाहर एक 28 साल की विवाहिता चौहानों की खेड़ी रायपुर निवासी मैना पत्नी महेंद्र सिंह का खून से सना हुआ शव मिला था। महिला की गला रेत कर व पीट पीट कर निर्मम हत्या की गई थी। पुलिस को मौके पर विवाहिता के साथ हाथापाई के सबूत भी मिले थे। पुलिस ने मृतक के परिजन की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उर्फ दशरथ सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि मृतक का और आरोपी के बीच काफी समय से अवैध संबंध थे। वहीं इस मामले में पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे होने की संभावना है। 24/5/2023 को ग्राम मदनपुरा थाना बागोर के क्षेत्र में एक महिला की गांव के पास में ही लाश पड़ी होने की सूचना पुलिस को मिली थी। मृतक के परिजन अर्जुन सिंह द्वारा थाना पर FIR दर्ज करवाई गई थी, जिसमें आज पुलिस ने उक्त प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण करके आरोपी दीपक सिंह को गिरफ्तार किया गया है। प्रथम दृष्टया अब तक के अनुसंधान से आरोपी दीपक सिंह व मृतका में अवैध संबंध को लेकर के हत्या करना सामने आया है। शेष अनुसंधान आरोपी से जारी है।